गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। दिस इज़ द सेवेंथ वीडियो ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर पेज नंबर 62 द खुर्दा अपराइजिंग केस स्टडी सेकेंड पैराग्राफ। द हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिस्पोज्ड किंग जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्माबर राय और बक्सी जगबंधु एज ही वॉज पॉपुलरली नोन। हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर थे, एक जो डिस्पोज्ड किंग थे उनके ये कमांडर थे जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्माबर राय, जिन्हें बक्सी जगबंधु के नाम से भी जाना जाता था। वॉज वन अमंग द डिस्पोज्ड लैंड होल्डर्स, ये भी एक डिस्पोज्ड लैंड होल्डर्स में से थे। ही हैड इन अफेक्ट बिकम अ बैगर, और इस इफेक्ट के बाद ये एक बैगर की तरह हो गए थे। एंड फॉर नियरली 2 ईयर सर्वाइव ऑन वॉलेंट्री contribution from the people of Khurda before deciding to fight for their grievance as well as his own। करीब उन्होंने इस तरह से बेगर होने के बाद उन्होंने 2 ईयर्स तक voluntary contribution जो कि खुर्दा के people थे उनसे करके अपनी उन्होंने survive किया था, और उसके बाद उन्होंने खुर्दा के people जो थे उनके लिए एक उन्होंने उनको सपोर्ट करते हुए उनका किस तरह से फेवर किया था और रिबेल में किस तरह से इंक्लूड हुए थे ये बताया। ओवर द ईयर्स व्हाट एडेड टू दिस ग्रीवियंस, उसके बाद जो ग्रीवियंस में और जो फाइट की जा रही थी ब्रिटिशर्स के साथ उनमें इन शिकायतों में और क्या इंक्लूड किया गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का रुपी सिल्वर करेंसी इन द रीज़न, एक उस रीज़न में सिक्का जिसे कि सिल्वर करेंसी कहा जाता है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। बी द इंसिस्टेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन न्यू करेंसी, और इस बात पर जोर दिया जाता था कि न्यू करेंसी में ही रेवेन्यू को पे किया जाए। एंड अनप्रेजेंटेड राइज इन द प्राइजेज ऑफ फूड स्टफ, और अचानक से बढ़ने वाले जो फूड स्टफ हैं उनकी प्राइजेस के इंक्रीज होने के कारण और सॉल्ट के प्राइस इंक्रीज होने के कारण। विच हैड बिकम फार फेस्ट फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट मोनोपोली, एक जो सॉल्ट मोनोपोली जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे उसके कारण भी ऐसा हो रहा था कि जो भी सॉल्ट मेकर्स थे उड़ीसा के उन्हें सॉल्ट नहीं बनाने जो ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर्स थे उन्हें सॉल्ट नहीं बनाने दिया जाता था। द ऑक्शन ऑफ लोकल स्टेट्स इन कैलकटा, और जो लोकल स्टेट्स थे वहाँ पर कैलकटा में लोकल जो स्टेट्स थे उनकी ऑक्शन उनकी नीलामी कर दी गई थी। जो जागीरदारी होती थी उसको नीलाम कर दिया जा रहा था कैलकटा में। विच ब्रॉड इन एब्सेंटीज लैंड लॉर्ड्स फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा, और जिसके कारण जो एबसेंट लैंड लॉर्ड्स थे बंगाल से उड़ीसा आ रहे थे। बिसाइड द इंसेंसिटिव एंड करप्ट पॉलिस सिस्टम ऑल्सो मेड द सिचुएशन वर्स फॉर द आर्म अपराइजिंग टू टेक ए सिनिस्टर शेप, एक और जो यहाँ पर रीज़न बताया है कि जो पुलिस सिस्टम था वो पूरी तरह से करप्ट था जिसके कारण जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही थी, जिसके कारण ये जो अपराइजिंग था आर्म जो अपराइजिंग हो रहा था से सशस्त्र के साथ आर्म जो होती है उनके साथ जो अपराइजिंग हो रही थी उसमें वो एक और भी सिनिस्टर और भी भयानक शेप में आ गई थी। द अपराइजिंग वॉज सेट ऑफ ऑन 29 मार्च 1817 एज द पाइक अटैक द पुलिस स्टेशन एंड अदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट एट बानपुर किलिंग मोर देन 100 मैन एंड टुक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट मनी। ये जो अपराइजिंग थी ये 29 मार्च 1817 से स्टार्ट हो गई थी जब पाइक ने पुलिस स्टेशन और जो भी अदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट थे बानपुर के वहाँ पर अटैक किया था और 100 से ज़्यादा जो मैन थे उन्हें ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें मार दिया गया था और
गवर्नमेंट जो की मनी थी उसे लार्ज अमाउंट में वो लोग अपने साथ ले गए थे। सून इट्स रिपल स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जो ये रिबेल था ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो रहा था, जिससे कि और जो खुर्दा था इसे इस रिबेल का एपिसेंटर माना जा रहा था। द जमींदार एंड राइट्स अलाइक जॉइंट द पाइक विद एंथुजम, और जो जमींदार और राइट्स थे उन्होंने भी पाइक को बहुत ही एंथुजम बहुत उत्साह के साथ उन्होंने पाइक्स को ज्वाइन किया। दोज हु डिड नॉट वर टेकन टू टास्क, कुछ ऐसे भी थे जो इसमें पार्ट नहीं ले रहे थे। अ नो रेंट कैंपेन वॉज ऑल्सो स्टार्टेड, रेंट नहीं देने का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया नो रेंट कैंपेन के नाम से। द ब्रिटिश ट्राई टू डिसलॉज द पाइक फ्रॉम देयर एंट्रेंस पोजिशन बट फेल, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पाइक्स को कंट्रोल करने की सोची बट वे फेल हो गए। ऑन 14 अप्रैल 1817 बक्सी जगबंधु लीडिंग 5,000 to 10,000 पाइक्स एंड मैन ऑफ द ट्राइब सीज्ड पुरी एंड डिक्लेयर द हेजिटेंट किंग मुकुंदेव सेकेंड एज देयर रूलर। प्रीस्ट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल ऑल्सो एक्सटेंड द पाइक्स देयर फुल सपोर्ट। अप्रैल 1817 में बक्सी जगबंधु ने 5,000 to 10,000 जो पाइप थे उन्हें लीड किया, और उनके साथ जो ट्राइब्स थे उनके साथ मिलकर कंध जो ट्राइब थी उनके साथ मिलकर पुरी को सीज किया, पुरी को अपने कंट्रोल में लिया एंड डिक्लेयर द हेजिटेंट किंग, और वहाँ के एक किंग जो बहुत हेजिटेशन में थे उन्हें वहाँ का किंग डिक्लेयर किया मुकुंदेव सेकेंड को अपने रूलर की तरह उन्होंने अपना किंग डिक्लेयर किया। द प्रीस्ट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल ऑल्सो एक्सटेंड द पाइक्स फुल दे आर फुल सपोर्ट, और जो प्रीस्ट थे जगन्नाथ टेम्पल के ये भी पाइक्स को फुल सपोर्ट कर रहे थे। सीजिंग द सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ हैंड, इस सिचुएशन को अपने हाथ से जाता हुआ देखकर ब्रिटिश क्लेम्ड मार्शल लॉ, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मार्शल लॉ को लागू किया। द किंग वॉज क्विकली कैप्चर्ड एंड सेंट टू प्रिजन इन कटक विथ हिज सन, जो किंग थे जिन्हें मुकुंदेव को किंग डिक्लेयर किया गया था उन्हें कैप्चर कर लिया गया और उनके सन के साथ उन्हें कटक के में प्रिजन कारावास के लिए भेजा गया। द बक्सी विथ हिज क्लोज एसोसिएट कृष्ण चंद्र ब्रह्माबर राय ट्राइड टू कट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन कटक एंड खुदरा एज द अपराइजिंग स्प्रेड टू द साउदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। बक्सी जगबंधु जो थे उन्होंने अपने क्लोज एसोसिएट कृष्णा चंद्र ब्रह्माबर राय के साथ मिलकर जो भी कम्युनिकेशंस थे उनको कटक और खुदरा के जो भी कम्युनिकेशंस थे उनको कट किया। एज द अपराइजिंग स्प्रेड, जो अपराइजिंग स्प्रेड हो रही थी साउथ और नॉर्थन वेस्ट पार्ट में उड़ीसा की। कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश सेंट मेजर जनरल मार्टिंडल टू क्लियर ऑफ द एरिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पाइक वाइल द सेम टाइम अनाउंसिंग रिवॉर्ड्स फॉर द अरेस्ट ऑफ बक्सी जगबंधु एंड हिज एसोसिएट्स।